एक और भविष्यवाणी को आपके सामने रख देता हूं, पहला तिमोथियस उसका चौथा अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को आपके सामने पढ़ रहा। पहला तिमोथियस उसका चौथा अध्याय पहले और दूसरे वचन के अंदर पौलुस जो है वो अंत के दिनों में मसीहों का हाल क्या होगा उसके बारे में हमको बता रहा है। यहां पे पौलुस कहता है, परंतु पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। यहां पर यूहन्ना बता रहा है कि अंत के दिनों में मसीहों के विश्वास के ऊपर भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माएं हमला कर देंगी और जब हमला कर देंगी तो हमको ये सब चीजें दिखाई नहीं देंगी। ये जो आज हो रहा है बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, हमको दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि हमारे विश्वास के ऊपर ये भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माएं हमला कर देंगी। और किनके द्वारा हमला करेंगी? यह उन झूठे मनुष्यों के कारण, झूठे मसीही लोग जो हैं उनके कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। यदि शरीर के किसी अंग को जलते हुए लोहे से दाग दिया जाए तो उस अंग का जो सेंसेशन है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जिस जगह पर गरम गरम लोहा लगाया जाता है वहां पर यदि काट भी दिया जाए या वहां से खून भी बहता रहे तो व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जलता हुआ लोहा जो है उस जगह का सेंसेशन खत्म कर देता है। तो पौलुस यहां पर कहता है कि यह उन झूठे मसीही लोगों के कारण होगा जिनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया, यानी कि उनको लगता ही नहीं है कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, उनका दिमाग सुन हो चुका है, सेंसेशन जो है पाप का उनको खत्म हो चुका है। ऐसे लोगों के द्वारा मसीहों के विश्वास पर हमला किया जाएगा और ये लोग जो होंगे वो भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को लेकर के कलीसिया के अंदर आ जाएंगे। और ये भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा क्या है? दूसरा कुरंतियों उसका 11 अध्याय और 11 अध्याय का चौथा वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर उन शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाओं के बारे में पौलुस ने बताया है। दूसरा कुरंतियों उसका 11 अध्याय उसके चौथे वचन के अंदर लिखा हुआ है कि यदि कोई तुम्हारे पास आकर के किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, दूसरा यीशु, नए नियम में सुसमाचार के अंदर जिस यीशु मसीह के बारे में बताया गया है वो यीशु मसीह बाइबल का यीशु मसीह है, लेकिन कलीसियाओं के अंदर, अनगिनत कलीसियाओं में, अनगिनत प्रचार सभाओं में, अनगिनत आत्मिक जागृति सभाओं में जिस यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है वो यीशु मसीह जो है वो बाइबल का यीशु मसीह नहीं है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, बाइबल का यीशु मसीह जो है वो लालची नहीं है, बाइबल का यीशु मसीह लालची नहीं है। शैतान ने यीशु मसीह के सामने जब परीक्षा को लेकर के आया तो धन दौलत को लेकर के आया, मेरे सामने गिरकर मुझे प्रणाम कर तो ये सारा वैभव तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने उस धन दौलत पर ठोकर मार दी। बाइबल का यीशु मसीह लालची नहीं है, लेकिन आज जिस यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है वो लालची यीशु मसीह है। क्या प्रचार किया जा रहा है? ये प्रचार किया जा रहा है कि आप यीशु मसीह को जब पैसा देंगे तो यीशु मसीह आपको ठीक करेगा, आपको चंगा करेगा। कितने ऐसे प्रचारक हैं, कितने ऐसे प्रभु के सेवक हैं जो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कितने बार ये बातें हमारे सामने आती हैं कि 25,000 रुपए अगर आप देंगे तो मैं कैंसर के पीड़ित के लिए प्रार्थना करूंगा और कैंसर की बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी, लोग ऐसा बोलते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जब मैं एक जगह के ऊपर था तो वहां पर एक पास्टर ने मुझको बताया कि वहां पर एक सेवक है प्रभु का,
वो एक परिवार के अंदर गया, उस परिवार में जो बुजुर्ग थे उनको कैंसर था, भयानक रूप से बीमार थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उस प्रभु के सेवक ने कहा कि 25,000 रुपए अगर आप देंगे तो हम इनको ठीक कर सकते हैं, 10,000 रुपए देंगे तो कोई गारंटी नहीं है, 10,000 रुपए में हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि कोई गारंटी नहीं है कि ये बच जाए, लेकिन 25,000 रुपए देंगे तो पूरी फुल गारंटी दे रहे हैं, साइन करके दे रहे हैं गारंटी पर भाई कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। परिवार वालों ने 25,000 रुपए दे दिए, उन्होंने प्रार्थना करी, प्रार्थना करके वो प्रभु के सेवक घर पहुंचे, पीछे से वो बुजुर्ग जो है वो दुनिया से रुखसत हो गए। आज एक ऐसे यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है जो लालची है, यीशु मसीह को मसीहों की जेब में रखे हुए पैसों का लालच है, ऐसे ऐसे यीशु का प्रचार आज किया जा रहा है। और यीशु मसीह जो है, बाइबल का यीशु मसीह जो है वो बिल्कुल भी भौतिक नहीं है, उसको संसार की चीजों से कोई मतलब नहीं है, बाइबल के यीशु मसीह को। और इसीलिए कुलुसियों के पत्री के 3 अध्याय के 1 वचन में पौलुस कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्ग पर की वस्तुओं के ऊपर मन लगाओ, पौलुस कहता है। लेकिन आज जो यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है, लोगों का ध्यान स्वर्ग पर की वस्तुओं पर नहीं, पृथ्वी पर की वस्तुओं के ऊपर लगाया जा रहा है। पृथ्वी पर की, आपके पास गाड़ी आ जाएगी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके पास बड़ी मर्सिडीज आ जाएगी, आप जो है वो लंबी लिमोसीन के अंदर घूमते हुए मुझको दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ध्यान मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर लगाया जा रहा है, जो चीजें नाशवान हैं। कल मर गया तो वो लिमोसीन कौन चलाएगा? क्या भूत आकर के चलाएगा उस लिमोसीन को? या नरक के अंदर आग में लिमोसीन लेकर के घूमेगा? लेकिन लोगों का ध्यान आज उस यीशु का प्रचार नहीं किया जा रहा है जो कि बाइबल का यीशु मसीह है। आज जिस यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है वो यीशु मसीह लोगों को कपट रखना सिखाता है, वो लोगों को बदनामी करना सिखाता है, वो लोगों को कंपटीशन करना सिखाता है। आज जो यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है वो सिर्फ सांसारिक यीशु मसीह है, सिर्फ सांसारिक यीशु मसीह। आज का यीशु मसीह जिसका प्रचार किया जा रहा है, जो बाइबल का यीशु मसीह नहीं है, वो सिखाता है कि मैं सबसे आगे रहूं और बाकी सब मेरे पीछे रहे। यीशु मसीह चाहता है मेरी बहन, मेरे भाई, कि आपको वो नंबर वन बनाना चाहता है। अगर सब नंबर वन रहेंगे तो 2 कौन रहेगा और 3 कौन रहेगा, लास्ट कौन रहेगा अगर सभी नंबर वन रहेंगे? तो आज जिस यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है वो बाइबल का यीशु मसीह नहीं है, बाइबल का यीशु मसीह बिल्कुल अलग है। तो पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 4वें वचन में कि यदि कोई तुम्हारे पास आकर के दूसरे यीशु का प्रचार करे, ये भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं ने हमारे विश्वास के ऊपर हमला बोल दिया है। और पौलुस आकर के कहता है कि कोई दूसरा आत्मा अगर तुमको मिले तो तुम सह लेते हो। दूसरा आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा नहीं, कोई दूसरा आत्मा तुमको मिल जाता है तो तुमको लगता है कि तुमने पवित्र आत्मा पा लिया, तुम सेटिस्फाई हो जाते हो। अब ये दूसरा आत्मा जो है ये रिलीजियस स्पिरिट है, बहुत धार्मिक है। शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। अब लोग, मसीही लोग क्या सोचते हैं? मसीही लोग सोचते हैं अगर दुष्ट आत्मा है किसी के अंदर तो जब कलीसिया में प्रेज एंड वर्शिप जब चल रही होगी तो दुष्ट आत्मा अपने आप को मैनिफेस्ट कर देगा, चिल्लाएगा जोर जोर से, ठीक है। लेकिन पौलुस ने तो कहा कि शतान जो है वो तो ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है, अपोस्टल्स का रूप धारण कर लेता है, प्रेरितों का रूप धारण कर लेता है। पौलुस ने इस बात को बताया है तो कैसे प्रेज एंड वर्शिप में चिल्लाएगा? तो ये बात जो दूसरा आत्मा लोगों को मिल रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन के अंदर आता है तो उसका एक साइन होता है। पवित्र आत्मा जो है वो लोगों को डिसेंसी की तरफ लेकर के जाता है, पवित्रता की तरफ लेकर के जाता है, उनके व्यवहार को बदल देता है। जब लोग उनको देखते हैं तो समझ में आता है कि इसके जीवन में कुछ तो हुआ है,
लेकिन आज जिनको आत्मा मिल रहा है उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, वो आज भी नशेड़ी हैं, आज भी सिगरेटें फूंक रहे हैं, आज भी शराब पी रहे हैं, आज भी व्यभिचार में, आज भी दो दो तीन तीन पत्नियां उन्होंने रखी हुई, तो पवित्र आत्मा का क्या काम उनके जीवन में होगा? सेंट ऑगस्टीन के बारे में पढ़ें तो सेंट ऑगस्टीन जो थे उनका जीवन पूरी तरह से व्यभिचार के अंदर था, लेकिन जब पवित्र आत्मा का काम उनके जीवन के अंदर हुआ तो उन्होंने व्यभिचार छोड़ दिया। जिस वेश्या से उनका बेटा था उस वेश्या को भी उन्होंने छोड़ दिया, और जब उस वेश्या ने, जब वो प्रचार कर रहे थे एक जगह पर और वो वेश्या वहां पर आ गई कि ऑगस्टीन बहुत दिनों से नहीं आया, कहां पर जाकर के छुप गया, और जब उस वेश्या ने ऑगस्टीन का प्रचार सुना तो वो जोर से चिल्लाई कि ये मेरा ऑगस्टीन नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ऑगस्टीन, सेंट ऑगस्टीन के जीवन में हुआ था। पवित्र आत्मा हमको कीचड़ में से निकाल करके स्वर्गीय स्थानों की तरफ लेकर के जाता है। अगर आपको आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा मिला है और आप फिर भी कीचड़ में है, तो पौलुस ने कहा कोई दूसरा ही आत्मा तुमको मिल गया है और तुम उसमें भी सेटिस्फाई हो, और ये दूसरा आत्मा जो है वो लोगों को व्यभिचार के लिए प्रेरित करता है। मेरे पास कितने कितने लोग आते हैं, चाहे वो अधेड़ उम्र के हो, चाहे वो जवान हो, वो आकर के एक ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं जो शॉकिंग है। वो कहते हैं कि पास्टर साहब, मुझको पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी थी कि मैं ये पाप करूं। पवित्र आत्मा कैसे किसी की अगुवाई कर सकता है कि वो पाप करे? कोई दूसरा आत्मा है जो अगुवाई कर रहा है। पौलुस ने कहा भरमाने वाली आत्माएं आ जाएंगी, स्पिरिट ऑफ एरर आ जाएगा जो भरमाएगा लोगों को, डिसीविंग स्पिरिट्स आ रही हैं और लोग सोच रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा है, और हर प्रकार का जो प्रचार होता है उसका ऐसे लोग विरोध करते हैं, हर प्रकार का। भविष्यवाणियों पर बोलो तो उनको प्रॉब्लम है, चंगाइयों पर बोलो तो उनको प्रॉब्लम है, आशीषों पर बोलो तो उनको प्रॉब्लम है, यीशु के प्रेम पर बोलो, एक प्रचारक है, अरे वो बस प्रेम ही प्रेम पर बोलता रहता है, दूसरा तो उसके पास काम है ही नहीं, वो प्रेम के ऊपर प्रॉब्लम है। जितने भी संदेश प्रचार किए जाए सारे संदेशों पर उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके अंदर डिसीविंग स्पिरिट आ गई, दूसरा आत्मा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो लोगों के पास्ट को बताते हैं दूसरों के सामने कि मुझको तो पवित्र आत्मा का वरदान मिला है भविष्यवाणी करने का। भविष्यवाणी करने का कैसे? वो सामने वाले का पास्ट बता देते हैं कि वो अपने जीवन के अंदर उसने क्या क्या पाप किए हैं। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा कभी भी किसी की बेइज्जती दूसरे के सामने नहीं करता है, नहीं करता है। यीशु मसीह ने यहूदा की बेइज्जती नहीं करी चेलों के सामने। यीशु मसीह चाहता तो उसको गद्दार बोल सकता था, उसको पापी दुष्ट बोल सकता था। यीशु ने कहा हे मित्र, यीशु चाहता तो बता देता कि पतरस यही है वो जिसके लिए मैंने कहा था। यीशु ने प्रकट ही नहीं किया कि यहूदा ने क्या किया था। पवित्र आत्मा कभी भी आपके पापों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करेगा, आपको कन्विक्ट करेगा। यीशु ने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो लोगों को उनके पापों के विषय में कायल करेगा, कन्विक्ट करेगा। लोग, पवित्र आत्मा हमारे मन को पूरी तरह से निचोड़ करके रख देता है, लेकिन दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती नहीं करता है। लेकिन जो दूसरा आत्मा है वो दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती करता है, हमारे पुराने पाप जो है उनको दूसरों के सामने खोल करके बताता है। ये दूसरे आत्मा का काम है। पौलुस कहता है कहीं तुमने दूसरा आत्मा तो नहीं पा लिया, और उसके बाद पौलुस कहता है कि तुमने कहीं दूसरा कोई दूसरा सुसमाचार तो नहीं सुन लिया है। दूसरा सुसमाचार भी आज सुनाया जा रहा है। ये भविष्यवाणियां कलीसिया में पूरी हो रही। दूसरा सुसमाचार क्या सुनाया जा रहा है? आज एक सुसमाचार आ गया है जो पैसे वाला सुसमाचार है। पैसे दो और आशीष लो, पैसे दो और अपने पाप माफ कराओ। आप कितने बड़े विश्वासी हैं, आप इतने पैसे दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके पाप माफ कर देगा। बाइबल में कहां लिखा है? ये दूसरा सुसमाचार सुनाया जा रहा है, पैसे दो और आशीष लो, कहां लिखा हुआ है? देखिए, आराधना करना जो है वो सिर्फ गीतों को गाने से आराधना नहीं की जाती।
मेरी बात बहुत ध्यान से सुन ले, मैं एक दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। आपको यहां पर QR कोड दिखाया जा रहा है, कई सारे लोग तो उसको स्कैन भी नहीं करते हैं, वो एक अलग विषय है, उसको जाने दीजिए। लेकिन आराधना जो है वो सिर्फ गीतों को गाने से नहीं होती है। मैं एक वचन आपको बता रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कोई भी छूचे हाथ मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना, खाली हाथ मेरे सामने मत आना। अब पास्टर जी नए नियम के अंदर कहां लिखा हुआ है? नए नियम में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम दो, परमेश्वर तो मांगता ही नहीं है, परमेश्वर तो देता है, ठीक है ना। तो मैं नए नियम से ही आपको बता रहा हूं, आराधना करने का मतलब यह नहीं है कि उछल उछल के नाचना और गाना, गला फाड़ना, अन्य भाषा बोलना। लेकिन एक और आराधना का एक और भाग है जो आपको बताने जा रहा प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय में से एक वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। मैं एक दो मिनट में खत्म कर दूंगा तो आप लोग ज्यादा परेशान ना। यहां पे प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 12वें वचन के अंदर यीशु मसीह की स्वर्गीय आराधना की जा रही है। स्वर्गीय आराधना, आराधना की जा रही है, उसके उसको महिमा दी जा रही है। और महिमा जो दी जा रही है वो क्या दी जा रही है? और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यीशु मसीह योग्य है इन सब चीजों के, धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, शक्ति के योग्य है, ज्ञान के योग्य है, सामर्थ्य के योग्य है। और साथ ही साथ लिखा है धन के योग्य भी है। स्वर्गीय आराधना में यीशु मसीह को जो चीजें चढ़ाई जा रही हैं उसमें धन भी चढ़ाया जा रहा है। तो यह आराधना करने का एक भाग होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर घूस नहीं लेता है, पैसे दो तो आशीष मिलेगी, ये फॉर्मूला बाइबल में नहीं है। हम आराधना के तौर पर परमेश्वर को जब कुछ चीज भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद हमको आशीष देता है। लेकिन यदि हम लालच के परिणाम स्वरूप किसी की बातों में आकर के दूसरा सुसमाचार सुन रहे हैं, लालच वाला, कि आपको एक महीने में मारुति ऑल्टो 800 मिल जाएगी अगर 1000 रुपए डालेंगे, तो फिर आप गलत ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। ये बाइबल के अंदर कहीं नहीं बताया गया, कहीं नहीं बताया गया। दूसरा सुसमाचार, एक और दूसरा सुसमाचार आजकल प्रचार किया जा रहा है कि पवित्र आत्मा लोगों को मिलना बंद हो चुका है, पवित्र आत्मा के वरदान लोगों को मिलने बंद हो चुके हैं। ये भी एक दूसरा सुसमाचार आज प्रचार किया जा रहा है, जबकि पवित्र आत्मा के सारे वरदान आज के हमारे समय में भी ऑपरेट होते हैं, विश्वासियों को मिलते हैं और विश्वासियों के जीवन में काम भी करते हैं, चाहे वो अन्य अन्य भाषाओं का हो, चाहे वो भविष्यवाणियों का हो, चाहे चंगाई का हो, कोई सभी वरदान क्यों ना। जब किसी ने किसी चीज को चखा ही नहीं तो उसका टेस्ट उसको कैसे पता चले। मैं अमेरिका से एक ड्रिंक ला करके आपको कहूं कि बहन या भाई ये ड्रिंक है, आप मुझको इसका टेस्ट बताओ बिना चखे, तो आप बता पाएंगे क्या? अगर वो काले रंग का होगा तो आप कहेंगे कि हाँ हो सकता है ये कोका कोला जैसा होगा इसका टेस्ट। लेमन जैसा दिखेगा तो आप कहेंगे कि हाँ ये लिमका जैसा होगा। ऑरेंज दिखेगा तो आप कहेंगे शायद मिरिंडा जैसा होगा। मैंगो की कलर का दिखेगा तो आप कहेंगे माजा जैसा होगा। लेकिन जैसा होगा आप उसका एग्जैक्ट टेस्ट नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपने उसको चखा ही नहीं। जिसने चखा ही नहीं पवित्र आत्मा को, तो वो फिर कैसे पवित्र आत्मा के बारे में आपको प्रचार कर सकता है, आपको बता सकता है? जिसने चखा है वही बता सकता है कि पवित्र आत्मा क्या है। तो एक दूसरा सुसमाचार सुनाया जा रहा है कि पवित्र आत्मा लोगों को मिलना बंद हो गया है। तो मिलना बंद हो गया है तो कैसे मसीही लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे? बादलों पर उठा लिए जाएंगे, पवित्र आत्मा कैसे उनको उठा करके फिर ले जाएगा जब पवित्र आत्मा पृथ्वी पर पाया ही नहीं जाता। उसके बाद ये भी नया एक दूसरा सुसमाचार फैलाया जा रहा है कि अंत जो है अभी नहीं आएगा।
अभी तो बहुत आराम से रहने का समय, अभी तो आशीषें प्राप्त करने का समय, अभी तो आत्माएं बचाने का समय है ब्रदर, अभी तो आत्माएं हमको बचानी है। यीशु मसीह आ रहा है। जब इज़राइल के अंदर पर्व शुरू होता था तो तुरहियां बजती थी। सबत का दिन भी एक पर्व है इज़राइल में, हर सप्ताह मनाया जाने वाला पर्व। सबत का दिन जब शुरू होता था तो उससे पहले खेतों के अंदर मजदूर काम कर रहे होते थे, फसलें काट रहे होते थे। जैसे ही तुरही बजती थी तो वो अपनी जो उनकी जो सिकिल होती है फसल काटने वाली, उसको वहीं पर ही पटक करके फसलों को काटना छोड़ करके मंदिर की तरफ चलना शुरू हो जाया करते थे। तो अभी आत्माएं बचाने का समय तो है, लेकिन कब तुरही बज जाए, कब दूतों का ललकार सुनाई दे जाए, कब पवित्र आत्मा हमको उठा करके ले जाए, सारे काम को छोड़ करके, अधूरा ही छोड़ करके हमको पिता के पास जाना पड़ जाएगा, जैसे यहूदी लोग पिता के पास मंदिर में आ जाया करते थे तुरही के शब्द को सुनते के समय। तो आज दूसरे यीशु का प्रचार किया जा रहा है, दूसरा आत्मा लोगों को मिल रहा है, दूसरा सुसमाचार लोगों के सामने लाया जा रहा है। पौलुस कहता है अंत के दिनों में डिसीविंग स्पिरिट्स आ जाएंगी जो मसीहों के विश्वास के ऊपर हमला करेंगी, और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरी हो रही है। प्रकाशित वाक्य आठवें अध्याय की भविष्यवाणियां एक लंबी लंबी छलांगों के साथ पूरी हो रही हैं, लेकिन पूरी हो रही हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि हम अंत के दिनों के भी अंतिम चरण के अंदर आकर के खड़े हो गए, लास्ट फेज में आ गए। और यीशु ने कहा जब ये बातें होने लगें तो तुम अपने जीवन की चाल सीधी कर लेना और पूरी तरह से प्रार्थना करने में लग जाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ पहुंचे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए। आप अपने लोगों के आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को खोलें प्रभु, और प्रभु जी इनको ये वचन समझने की बुद्धि और ज्ञान आप प्रदान करें, ताकि प्रभु जी इस वचन को सुन करके ये उलझ ना जाएं, लेकिन प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनको ये वचन पूरी तरह से समझाए, ताकि ये इन अंत के दिनों की गंभीर बातों को सरलता से समझ सके। जितने भी लोग आज की इस मीटिंग में रहे, मैं उन सबको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, उनके परिवारों को, बच्चों को यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपका अनुग्रह इनके जीवनों पर इन अंत के दिनों में होने पाए, और जब कोरोना वायरस के बाद आपने प्रभु ये अवसर हमको दिया है, ये समय दिया है, तो हम इस समय का सदुपयोग कर लें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन।